गाइस, ये है दुनिया का सबसे पहला ऐसा फोन जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और इसकी परफॉर्मेंस देख के मेरे एकदम चक्कर आ गए भाई। और ये हालत तो तब है जब बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, गर्मियों में क्या हाल होगा। ये स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और वीवो X90 प्रो प्लस का कॉम्बिनेशन ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, तो इसके साथ बहुत सारे टेस्ट करने वाले। इसके लिए हमने खरीदी है नई वॉशिंग मशीन, पहले कपड़े नहीं, पहले वीवो X90 प्रो प्लस को धोएंगे। ये जैकेट, ये वीवो, और अब बारी है वीवो को सुखाने की। पहले से ज्यादा नया लग रहा है भाई, और खुशबूदार भी। ब्यूटी अभी तक इंडिया में लॉन्च हुई नहीं है, इसको हमने चाइना दुबई के रास्ते मंगवाया है, क्योंकि नई चीज देख के मुझसे रहा नहीं जाता। और ये इंडिया की मोस्ट प्रोबेबली दूसरी या तीसरी अनबॉक्सिंग होगी जो आप तक पहुंच रही है। और अगर इतनी इन डेप्थ टेस्टिंग की बात की जाए तो पहली होगी कि भाई हमने इसके ऊपर बहुत टाइम बिता के ना एक एक चीज को बारीकी से टेस्ट करके आप तक फिल्माया जा रहा है। बट उससे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो आपको जो बॉक्स पकड़िए फील आने वाली है ना, क्योंकि जैसा फोन का बैक है ना वैसा ही इसका भी है। जैसे हसलब्लेड के साथ OnePlus की, वैसे ही Vivo के साथ ज़ाइस की। और यहाँ चाइनीज में लिखा हुआ है कि फोन बहुत अच्छा है। ठीक है, देख लेंगे। तो सबसे पहले फोन, इसको मैं पहले नहीं खोलूंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं। एक स्टेप जस्ट नीचे चलते हैं, अब आपको मिलता है यहाँ पे ये सेम कवर। भाई इतना अच्छा और प्रीमियम कवर कोई कैसे दे सकता है। भाई इसकी क्वालिटी बहुत सही है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है ये भी। एक सिम इंजेक्टर पिन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन। अब आती है टाइप C2C केबल, जिसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और जब सारी चीजें प्रीमियम है तो भाई ये भी होनी ही थी। और अब आता है 80 वोल्ट का चार्जर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्व करती जा रही है ना, वैसे वैसे जो वेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है और जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। ये लग ही नहीं रहा है कि भाई 80 वोल्ट का चार्जर है, बिल्कुल इसका वेट इतना ही है जिनका कि 30 वोल्ट वाले का होता है। एंड बस, तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के ऊपर। यस, ओ भाई, एक्सट्रीम इमेजिनेशन। और बिल्कुल सेम कहानी मेरे साथ भी हो रही है। और ये लेदर डिजाइन, सच में यार क्या कमाल का डिजाइन है इन लोगों का। और ये पेरिस्कोप लेंस, ऐसा लगता है कि इसको जस्ट डिस्प्ले के पीछे लगाया है, क्योंकि भाई बहुत गहरा दिख रहा है खड्डा। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ। इसका प्रीमियम फील सच में इतना लाजवाब है ना कि आपको ना अलग सा फील आने वाला है इसको हाथ में लेके। ये पूरा का पूरा लेदर डिजाइन, ये रेड कलर, वो भी जब रेड पहनती थी बहुत सुंदर लगती थी। ये भी लग रहा है, हाय हाय, रेड तो भाई है ही प्यारा कलर। फ्रंट में कोई भी बेजल्स नहीं है, मतलब बिल्कुल एज टू एज एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ऊपर की तरफ भी नहीं, नीचे की तरफ भी नहीं, मस्त एकदम। और ये कर्व्ड डिस्प्ले पैनल है, और ये कोई हल्का फोन नहीं है, 220 ग्राम्स का है। बेसिकली फ्लैगशिप जितने भी होते हैं वो धीरे धीरे भारी होते जा रहे हैं, लिहाजा ये भी थोड़ा हायर साइड है। मेटल की फ्रेम्स है और शाओमी की तरह ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी है। इसमें ड्यूअल नैनो सिम्स का सपोर्ट है, और इसी के साथ साथ इसके हैप्टिक्स भाई बहुत ही लाजवाब है, मस्त मोटर डाली है। और इसके स्पीकर्स ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमोस, और साउंड जो है ना वो एकदम रिच एंड प्रीमियम फील देता है। इससे अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत ज्यादा लाउडनेस आपको मिलेगी तो ऐसा नहीं है, लाउडनेस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रीमियमनेस जो है, जो हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजते हुए आप जो फील करते हो ना, वो रिचनेस इसके अंदर है। और नॉट ओनली स्पीकर्स, इसका जो डिस्प्ले है वो भी अपने आप में बहुत कमाल है। 6.78 इंचेस का E6 AMOLED 120 हर्ट्ज वाला, जिसमें 1800 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है, और ये धूप में बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो धूप में विजिबल ना हो। और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत कमाल की है, जिसकी वजह से इसके कलर्स जो हैं, इसकी डेप्थ है, इसकी ब्राइटनेस, सारी चीजें एक साथ जुड़ के आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल ले जाएंगी। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, जिसकी स्पीड अपने आप में बहुत ही कमाल की है। एक तो इसका एरिया इतना कमाल का है ना, जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे टच करो, कहीं इर्द गिर्द भी कर दिया तो ये खुलेगा, और ये अपने आप में बहुत ही कमाल की मैकेनिज्म है। और इसके बाद नंबर आता है इसके कैमरा का। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि कैमरा के अंदर फोन है या फोन के अंदर कैमरा। ये इतना बड़ा सा गोला ऐसे ही नहीं दिया है, इसमें चार चार कैमरा डाले हुए हैं, जिसमें प्राइमरी सेंसर सोनी IMX989 है, 50 MP का सेंसर। मेगापिक्सल पे बिल्कुल मत जाना, लेकिन इसके जो कलर्स निकाल के देता है ना, ये माइंड ब्लोइंग। सेकंड 50 MP का टेलीफोटो लेंस, जो 2x डिजिटल जूम करता है। तीसरा 48 MP का अल्ट्रा
अल्ट्रावाइड लेंस और चौथा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस जो 3.5x तक ऑप्टिकल जूम करता है, 10x तक हाइब्रिड जूम और 100x तक डिजिटल जूम। और ये टर्म्स क्या होती है इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा और मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। और हाँ, सेल्फी भी 32 मेगापिक्सल की है जो आपके चेहरे को मस्त निखार सकती है। और साथ ही में जूम इन जूम आउट करने का तो जो मजा है ना कैमरा से, वो अल्टीमेट लेवल का है। और इतने जूम से हमने लोगों की बालकनियां तक झांक मारी है जो हमारी नॉर्मल आईज से दिख भी नहीं रहा था। हमने इसके कैमरास को बहुत अच्छे से टेस्ट किया है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग जगह पर। डेफिनेटली आपको फोटोज देखनी चाहिए और उससे जज करना चाहिए। बाकी फोटोज और वीडियो की क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी टॉप नॉच है, मतलब एक फ्लैगशिप वाला तो नहीं जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स या S22 अल्ट्रा की अगर आप लोगे तो उसमें थोड़ा सा एक अलग सा सीन है। क्योंकि मैंने स्पेशली हम यूट्यूबर्स में ये चीज देखी है कि क्लोज टू नेचुरल होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो नेचुरल में थोड़ा बहुत जिसने कलर टिंट ऐड कर दिया वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और ऐसा अक्सर होता भी है। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी, क्वालिटी, सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस है और फोटोज आई कैची होती है जिनकी वजह से मजा आता है। ये इसका 1080p 60fps है फ्रंट में। पता नहीं आजकल के कैमरास को क्या हो गया है भाई, वो देते ही नहीं है 4K 60, 4K 30। ये है 4K 60fps और स्टेबलाइजेशन एंड ऑल सारी चीजें चेक करो। ये 8K को भी सपोर्ट करता है। इसके नेक्स्ट वाली फुटेज होगी वो 8K की होने वाली है। और ये है 8K 30fps। This is the ultra wide. और इसके कैमराज इतने अच्छे होने का रीजन है डेडिकेटेड V2 चिप। यहाँ पे एक अलग से V2 चिप लगाई गई है जो इमेज को प्रोसेस करे और अच्छे से लाके आपके सामने रखे। बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे इसमें है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 LPDDR5X एंड UFS 4.0। और बात करें अगर इसके मार्क्स की तो 1.27 मिलियन लेके आता है भाई। एंड्रॉइड में जितने भी फोन है ना अब तक के, मतलब किसी को भी उठा लो निहायत ही फ्लेक्सिबल लगे वो, लेकिन इसके जितने स्कोर्स किसी के नहीं है। हाँ, सीपीयू थ्रॉटल होता है जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसने ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया। लेकिन मुझे थ्रॉटल में ज्यादा अच्छी उम्मीदें थी कि भाई TSMC अच्छा काम करेगा, बेटर देन सैमसंग होगा, लेकिन थ्रॉटल मैनेजमेंट इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहा। और रीड राइट स्पीड है 3500 Mbps की। बाकी कनेक्टिविटी में इसमें सब कुछ है, 5G NFC बहुत सारे बैंड, Wi-Fi 6E जितना सब कुछ हो सकता है। और जब 5G है ही तो क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। हम बहुत ऐसे ट्राई कर रहे हैं इसमें 5G लाने का, 4G प्लस आ रहा है। 5G एक्सप्लोरेशन एक ऑप्शन मिला हमें सेटिंग में, इसमें जाके सारी चाइनीज छिड़ी हुई है भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे क्लिक करोगे और खतरनाक तरीके की चाइनीज आ जाएगी। तो भाई चाइना से लाया हुआ ये फोन 5G नहीं चला सकता। बल्कि हमने रेडमी रियलमी के सारे फोन में ट्राई किया, उनमें सब में 5G चल रहा था यार। बड़ी चीज ये नहीं है कि इसमें 5G चला नहीं, बड़ी चीज ये है कि हम टेस्ट नहीं कर पाए। अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पे आता है बेस्ड ऑन ओरिजिन OS 3, क्योंकि भाई ये चाइना से इंपोर्ट किया है हमने। और कमाल की चीज ये है इसमें आई मैसेज और आई म्यूजिक भी मिलता है, नकली वाला। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है और चलाने में आपको मस्त मजा आएगा। आप तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 की पावर को देख के एकदम फ्लैट हो जाओगे। और इतनी सारी चीजों को पावर देने के लिए लगी हुई है 4700 mAh की बैटरी, और चार्जिंग है 80 वोल्ट की, और इतने से काम कंप्लीट नहीं होता है। ये 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं इस X90 Pro Plus के साथ। आगे मुझे इसका कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों ही चीजें बहुत ही कमाल की लगी हैं। ये फरवरी मंथ में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 85,000 रुपीज। और इस प्राइस रेंज में भी मैं बोल सकता हूँ कि वीवो ने एक काफी अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डाली है इस X90 Pro Plus। आप मुझे कमेंट नीचे करके बताओ कि आपको इसका किसके साथ कंपैरिजन चाहिए, क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में आता है वहां पे कुछ ऐसे फोन है जैसे S22 अल्ट्रा है, iPhone 14 Pro Max है, और ये भी है Pixel 7 Pro, और उसके अलावा Xiaomi 13 Pro भी है जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन वो हमारे पास है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम वो चीजें कर देंगे। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए